नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर। बच्चों अपन क्या पढ़े थे? पाठ चार क्या है बच्चों? हरे भरे मैदान। इसमें अपन क्या अक्षर सीखे बच्चों? ख और ख। क से कमल, ख से खरगोश। क्या सीखे बच्चों? क से कमल, ख से खरगोश। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा बच्चों, क से कमल, ख से खरगोश, ये दो अक्षर अपन सीखे थे ना बच्चों। आज और दो अक्षर सीखेंगे। आज का तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर क्या है आज का? घ। व्यंजन में क्या है? घ। क्या है? घ। उसके बाद चौथा अक्षर क्या है? ग। क्या है? घ। घ। क्या है? घ। घ। तो अपन यहाँ पर व्यंजन में कितने अक्षर सीखे थे बच्चों? दो अक्षर सीखे थे। आज दो अक्षर सीखेंगे। ख ख सीखे थे, आज घ घ सीखेंगे। ग से क्या है बच्चों? यहाँ पर चित्र देखो, ग से क्या है? गमला। ग से गमला। क्या है बच्चों? ग से गमला। ग से घड़ा। क्या है बच्चों? ग से गमला, ग से घड़ा है। तो अभी देखो बच्चों, आपको मैं पहले से आपको पढ़ाती स्वर और व्यंजन। यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिखी बच्चों, देखो वर्णमाला कितने हैं बच्चों? वर्णमाला 49। वर्णमाला कितने हैं बच्चों? 49। स्वर कितने हैं? 13। स्वर कितने हैं? 13। आ ई ई उ ऊ रु ए आई ओ औ अम अहा अपे चंद्रबिंदु। व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं व्यंजन? 33। का का अपन दो अक्षर सीखे ना। आज दो अक्षर सीखना है। क्या है दो अक्षर? आज के नए अक्षर क्या है? ग घ घ घ। घ से गमला, घ से घड़ा। घ से गमला, घ से घड़ा। तो अभी ये दो अक्षर का अभ्यास करना है ना बच्चों, आपको अभ्यास करना है। फिर से अपन पाठ चार पढ़ेंगे बच्चों। देखो हरे भरे मैदान, आपको चार लाइन दिए गए ना बच्चों। यहाँ पर क्या है? तालाब में एक कमल खिला, गड़ा है देखो जल से भरा। भैया पकड़ा, खरगोश लाया, लाल लाल गाजर खिलाया। तो यहाँ पर तालाब में एक कमल खिला, पहले क्या आया? कमल। कैसे कमल। दूसरा क्या है? घड़ा है देखो जल से भरा। यहाँ पर घड़ा दिख रहा ना आपको चित्र में, घड़ा किससे भरा है? जल से। जल बोले तो क्या है? वॉटर। घड़ा किससे भरा है? जल से भरा है। भैया पकड़ा, खरगोश लाया। भैया क्या पकड़ कर लाया? खरगोश पकड़ कर लाया। लाल लाल गाजर खिलाया, लाल लाल क्या खिलाया खरगोश को? गाजर खिलाया। देखो यहाँ पर भैया गाजर खिला रहा ना खरगोश को, ये चित्र है बच्चों। अभी इसका अभ्यास अपन क्या करे थे? क से कमल, ख से खरगोश। क से कमल, ख से खरगोश। इसका अभ्यास क्या है? वर्ण पहचानिए और समान वर्णों पर गोला लगाइए। क, ये कबूतर में का का है, वहाँ का क्या करना है आपको? सर्किल करना है। ये आपको परसों समझाई ना बच्चों। कमल में का है, वहाँ आपको गोला लगाना है। खरगोश खटा पटा, खटा खटा। तो यहाँ पर खटपट खटकट, यहाँ पर खा का है, वहां पर आपको गोला लगाना है। चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। यहाँ पर कमल का चित्र दिया गया है, क से कमल है। यहाँ खरगोश का चित्र दिया गया है, यहाँ पर ख से खरगोश है। वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। ये आपको गोले में ख दिया गया है, यहाँ पर आपको खाली स्थान जहाँ है वहां पर क्या करना है? का लगाना है। ख से कछुआ, क से कलम, क से कप। ख, ख से खजूर, ख से खरबूज, ख से खर। यहाँ पर आपको लिखना है। ये भी आपको मैं परसों बोर्ड पे लिख कर समझाई। आज क्या है बच्चों? देखो आज आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख कर सीखिए। राइट एंड लर्न। क क ख ख। क से कमल, क से खरगोश, आपको सुलेख लिखना है यहाँ पर। फिर इसके बाद मजे मजे में खरगोश के चित्र में रंग भरिए। कलर द पिक्चर ऑफ रैबिट। खरगोश को क्या बोलते हैं? रैबिट। तो यहाँ पर रैबिट का पिक्चर है, आपको क्या करना है? क्या करना है यहाँ पर? आपको गुलाबी रंग करना है। गुलाबी रंग मालूम है? लाइट पिंक कलर। तो यहाँ पर आपको लाइट पिंक कलर करना है। यहाँ पर खरगोश में चित्र
चित्र में रंग भरना है आपको, ये डॉट्स पूरे ज्वाइन करना है और यहाँ पर आपको रंग भरना है। ये हो गया। फिर आज अपन दो अक्षर नए पढ़े ना बच्चों, क्या है? घसे गमला, घसे घड़ा, घसे गमला, घसे गमला। उसके बाद इसका अभ्यास कर, अभ्यास कार्य भी करना है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर इसका अभ्यास कर, वर्ण पहचानिए और समान वर्णों पर गोला लगाइए। ये वर्ण पहचानना है और इसको क्या करना है, समान वर्णों पर क्या करना है, गोला लगाना है। घ घ घ कहाँ पर है? खा खा घ घ, तो घ कहाँ है वहाँ क्या करना है आपको, गोला लगाना है। घ कहाँ है? यहाँ पर घ कहाँ है? यहाँ पर क्या करना है आपको, गोला लगाना है। इन्हीं कहाँ है? यहाँ पर इन्हीं में क्या करना है आपको, वहाँ पर गोला लगाना है। देखो यहाँ पर है समान पहचानी और समान वर्णों पर गोला लगाए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा, हाँ यहाँ पर लास्ट में है। देखो यहाँ पर लास्ट में नहीं है, आपको क्या करना है, इन्हीं में गोला लगाना है। चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। यहाँ पर चित्र पहचानना है और उसका पहला वर्ण, जैसा ख ख का वर्ण लिखे आप, ऐसा ही घ घ का वर्ण लिखना है। और यहाँ पर भी घ और घ दिया गया है, इसका अक्षर यहाँ पर आपको जो सर्किल में दिया गया वही अक्षर यहाँ पर खाली स्थान पर आपको लिखना है बच्चों। यही है आपको, ये मैं बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगी बच्चों। आज के लिए खाली आपको ये समझा रही मैं, आपसे हो सका तो आप जितना हो सका उतना कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट में क्या करती मैं, नेक्स्ट में क्या करती आपको, नेक्स्ट कक्षा में आपको ये बोर्ड पे लिखा कर समझाती बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। ये आप कोशिश करो, पहले आप कोशिश करो लिखने की, आपको जो समझ में नहीं आता वो मैं जूम क्लास में देना, जब मुझे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है। आज कितने अक्षर सीखे अपन, घ से गमला, घ से घड़ा। तो यहाँ पर व्यंजन के कितने अक्षर सीखे अपन, चार अक्षर सीखे, क से कमल, क से खरगोश, घ से गमला, घ से घड़ा। इन्हीं का कोई चित्र नहीं होता। यहाँ पर इतना ही है बच्चों, आज इतना ही कंप्लीट करना है आपको। फिर अगली कक्षा में और पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।